काल कामिका एकादशी है, ये एकादशी नहीं करने से क्या बर्बादी होगा आपके जीवन में ये सुन लीजिए, और करने से क्या फायदा होगा ये जान लीजिए। तो ये कामिका एकादशी ऐसा पूरा एकादशी महत्व, इसको अगर पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। हम संक्षिप्त में बोल रहे हैं, काल एकादशी से, काल अगर आप एकादशी से भगवान श्री कृष्ण का चरण में पूजा करेंगे, तुलसी के पाता से भगवान श्री कृष्ण चरण में पूजा करेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। और तो अगर भगवान आप तुलसी का तुलसी मंजिल से भगवान की भगवान कृष्ण का पूजा करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिल होगा। श्री हरि चरणे तुलसी अर्पित भगवत भक्ति लाभ है, तो भगवान श्री कृष्ण का चरण में तुलसी अर्पण करने से भक्ति मिलते हैं। जो भगवान श्री कृष्ण का चरण में तुलसी मंजरी से पूजा करते हैं, जन्म अर्जित सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी पाता के तुलसी मंजरी द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरण में पूजा करने से जन्म में जितना पाप किया सारे पाप नष्ट हो जाएगा। और काल एकादशी में भगवान श्री कृष्ण को घी का दिया देखाएंगे, आरती करेंगे, तो चित्त गुप्त आपका पुण्य का हिसाब लेके थक जाएंगे, लेकिन लेख के खत्म नहीं कर पाएंगे, इतना पुण्य होता है। और जीवन में सारे जितना पाप किया है सर्व पाप खत्म हो जाए, सारे पाप नष्ट हो जाएगा ये एकादशी व्रत पालन करने से। और एकादशी महत्व और ब्रह्म हत्या जो पाप होता है, भ्रूण हत्या जो पाप होते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एक कामिका एकादशी व्रत पालन करना से। इस तरह से ये बहुत बड़ा एकादशी का महत्व है, दो पृष्ठ का, लेकिन मैं संक्षिप्त से बोल रहा हूँ। तो हमें केवल क्या करना है, एकादशी व्रत पालन करना है। अगर करने से हमें इतना फायदा होगा तो नहीं करने से कितना पाप होगा, कितना जीवन का बर्बादी होगा। तो इसीलिए इस एकादशी व्रत पालन कीजिए। एकादशी में क्या करना है, सबसे बेस्ट कि आप फल खाए, कोई भी फल भगवान को भोग लगा के प्रसाद के रूप से खाए, साबूदाना का खिचड़ी खा सकते हैं, और इस तरह से आप एकादशी व्रत पालन कीजिए। लेकिन चाय नहीं पीना है, और देख लेना दूध में भी केमिकल मिलावट होता है, इसलिए केवल फल लीजिए ठीक रहेगा। तो फल खा के ये फल भगवान को कृष्ण का भोग लगा के प्रसाद के रूप से फल खा के वो एकादशी व्रत पालन कीजिए, भगवान का नाम जप किए, और भगवत गीता भागवतम एकादशी महत्व किताब को पढ़िए, भगवान का जानिए, और इस तरह से एकादशी व्रत पालन करने से जीवन में सारे पाप नष्ट हो जाएगा। भक्ति करके कृष्ण प्रेम, एकादशी व्रत करने से पाप नष्ट हो जाएगा, भक्ति करने से कृष्ण प्रेम मिलेगा और गोलोक धाम में रहने का मौका मिलेगा। इसलिए इस एकादशी व्रत का पालन कीजिए। अगर नहीं करेंगे जीवन में, देखिए ऐसा ही खाना खाने से पाप होता है, प्रसाद खाने से पुण्य होता है। एकादशी दिन अगर प्रसाद खाने से भी पाप होता है, तो फिर एकादशी दिन प्रसाद खाने से पाप होता है, तो फिर खाना खाओगे तो कितना पाप होगा। इसीलिए इस एकादशी व्रत पालन करना चाहिए 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 चाहिए। एकादशी व्रत पालन कीजिए। फल कोई भी जो भी फल आपके पास होते हैं, कोला, आपेल, संतरा, मौसमी और वाटरमेलन, खरबूज, ऐसे जो भी फल आपके आसपास मिलते हैं उसको बाजार से लेके आइए, वाश धोइए, भगवान को भोग लगा के वो प्रसाद फल प्रसाद पाइए, और एकादशी व्रत पालन कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा माला जप कीजिए। और एकादशी का अगर काल एकादशी में रात जागरण करेंगे तो दुख दुर्गत सब कुछ खत्म हो जाएगा। हरे कृष्ण, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, कामिका एकादशी की जय, समेत गौर भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।